आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का आरिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू बी रिमेंबर। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या होता है, हम लोग एकदम ग्राउंड लेवल से जाएंगे, ग्राउंड लेवल से अप लेवल तक जाएंगे, ठीक है। धीरे 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 सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है, कि बेसिक क्या चीजें होती है इसमें। पॉइंट टू बी रिमेंबर में हम लोग को पहला चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो थिंग है, देर आर टू पार्टीज और थ्री पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज, सच एज ड्रॉवर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट सेलर, जो सामान बेचता है, ड्रॉवी जो कि होता है हमारा बायर, और पेई जो कि क्या करता है स्टूडेंट, अमाउंट क्या करता है, रिसीव करता है, अमाउंट रिसीवर, ठीक है। तो पहली चीज बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टीज भी हो सकती है, तीन पार्टीज भी हो सकती है, ठीक है, मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया आपको। सेकेंड थिंग जो है स्टूडेंट्स, टू टाइप्स ऑफ बिल होते हैं इन टर्म्स ऑफ डेट, इन टर्म्स ऑफ डेट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, सच एज आफ्टर डेट बिल, ठीक है, या तो आफ्टर डेट बिल होगा वो, या तो आफ्टर साइट बिल होगा। ओके तो आफ्टर डेट बिल स्टूडेंट्स, ये हम लोग डेट काउंट करते हैं, जब भी हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो है हमारा कॉलम होता है डेट का, उसमें भी क्या करना पड़ता है, डेट्स लिखने पड़ते हैं। अगर आपने रॉन्ग डेट लिखा, गलत डेट लिखा, तो आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं, वहां पे कट सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आफ्टर डेट बिल और आफ्टर साइट बिल में क्या फर्क होता है, ठीक है। आफ्टर डेट बिल जिस दिन बिल बना, ठीक है, उस दिन से क्या करता है सेलर, या तो बोल सकते हैं आप लोग ड्रॉवर, क्या करता है डेट को काउंट करता है, ठीक है। और जितने भी दिन का उसने टाइम दिया होगा, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, वो क्या करेगा, जिस दिन उसने बिल बनाया उस दिन से क्या करेगा, वो डेट को काउंट करेगा, क्रेडिट पीरियड को क्या करेगा, काउंट करेगा। ओके और आफ्टर साइट बिल, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था, मैंने इस पे साइट, साइट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आफ्टर साइट बिल स्टूडेंट्स, तो साइट का मतलब होता है स्टूडेंट जब भी सामान जब जाएगा साइट पे, ठीक है, मतलब जिस दिन ड्रॉवर को सामान मिलेगा, सॉरी ड्रॉवी को सामान मिलेगा बायर को, ठीक है, ड्रॉवी को जिस दिन सामान मिलेगा उस दिन से क्या होगा, डेट काउंट होगा आफ्टर साइट बिल में। ओके तो आप लोग को ये चीज याद रखना है, तो आफ्टर साइट बिल, तो आप लोग को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आफ्टर डेट बिल क्या होता है, आफ्टर साइट बिल क्या होता है, साइट मतलब क्या, जिस दिन साइट पे गया सामान गया, और जिस दिन सपोज सेलर ने जिस दिन सामान दिया किसको, बायर को। ओके फर्स्ट जनवरी को बिल बनाया और 5 जनवरी को डिलीवरी हुआ सामान का, तो आफ्टर साइट बिल में स्टूडेंट क्या होगा, हम लोग डेट कहां से काउंट करेंगे, 5 जनवरी से। ओके फर्स्ट जनवरी से काउंट नहीं करेंगे, और सपोज आफ्टर डेट बिल अगर आता है तो हम लोग डेट कहां से काउंट करेंगे, फर्स्ट जनवरी से। तो आफ्टर डेट बिल ये बेनिफिशियल किसके लिए होता है, ड्रॉवर के लिए, ठीक है, और आफ्टर साइट बिल किसके लिए बेनिफिशियल होता है, ड्रॉवी के लिए, ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, थर्ड है हमारा थर्ड पॉइंट, प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स प्रोसेस क्या होता है, ट्रांजेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिक जो होते हैं बेसिक, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्या होता है, गुड्स, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। और सेकेंड जो पॉइंट है हमारा इसमें, फिर उसके बाद क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग तो हो गया, ठीक है, लेन देन हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में एक डील फाइनल होता है कि मैंने आज गुड्स खरीदा है, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान देना, कभी भी ट्रेड जो होता है, जितने भी ट्रेड होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स, जो बड़े बड़े ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, वो कभी भी कैश में नहीं होते हैं। ओके 90 से 95% स्टूडेंट्स जो भी ट्रेड होते हैं वो कैश में नहीं होते, मतलब ट्रेडर्स के बीच में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर के बीच में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडर्स के बीच में बात कर रहा हूँ। दो ट्रेडर्स के बीच में कभी भी, याद रखो आप लोग, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, कैश में कभी नहीं होता है, वो होता है उधारी में, क्रेडिट में होता है। ओके तो आप लोगों को ध्यान रखना है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सेलर को क्या चाहिए, अश्योरेंस चाहिए, ठीक है, ड्रॉवर को क्या चाहिए, ड्रॉवर मतलब सेलर, ठीक है, उसको अश्योरेंस चाहिए कि सामने वाला पार्टी मुझे पैसे देगा, ठीक है। वो अश्योरेंस पाने के लिए वो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, वो बिल इशू करता है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग का कुछ तो हो गया। ओके अब सेलर को तो अश्योरेंस चाहिए कि भाई ये जो ड्रॉवी है ये फ्यूचर में मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा। ओके अगर वो नहीं देगा तो वो क्या कर सके, प्रूफ के तौर पे कोर्ट से क्या कर सके, क्लेम कर सके और अपना पैसा उससे निकाल सके। तो उस टाइम पे स्टूडेंट क्या होता है,
एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट क्या होता है, वो बिल होता है, ठीक है, बिल बनता है, जो कि क्या होता है, बिल बनाने वाला, ठीक है, मतलब ड्रॉवर क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट करवाता है किसके पास से, ड्रॉवी के पास से, कि भाई मैंने आपको गुड्स दिया है, सामान दे दिया मैंने आपको, ठीक है, एक महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने बाद आपको क्या करना है, मुझे पैसे देना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, बिल इश्यू होता है, इश्यू कौन करता है, ड्रॉवर, बिल एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉवी, ठीक है, बाय ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, ड्रॉवर क्या क्या करता है स्टूडेंट, बिल इश्यू करता है और ड्रॉवी क्या करता है, बिल एक्सेप्ट करता है। तो पहला एंट्री स्टूडेंट हम लोग इस पे पास करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स पे, दूसरा एंट्री हम लोग पास करेंगे स्टूडेंट किस पे, इस पे, ठीक है, बिल इशू पे और बिल एक्सेप्ट पे। आगे बढ़ते स्टूडेंट हम लोग ऑन ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट जब एक महीने बाद टाइम पूरा हो जाएगा या दो महीने बाद टाइम पूरा हो जाएगा या तीन महीने का टाइम पूरा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। तो जब भी स्टूडेंट्स हमारा एक टाइम पूरा हो जाएगा, जैसे कि जितना भी मंथ का उसको क्रेडिट मिला होगा, तो उस टाइम पूरा होने के बाद वो क्या होगा, या तो बिल विल बी ऑनर्ड, ठीक है, ऑनर का मतलब होता है स्टूडेंट क्लियर, ठीक है, ड्रॉवर ने जो भी सामान बेचा और एक महीने का टाइम दिया, ओके, तो ड्यू डेट के दिन क्या होगा, या तो ड्रॉवर को पैसा मिल जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया ड्यू डेट पे, ऑन ड्यू डेट, ठीक है, बिल विल बी ऑनर्ड, या तो दूसरा केस हो सकता है ऑन ड्यू डेट बिल विल बी डिसऑनर्ड, ठीक है, डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है कि पैसा नहीं मिला, ओके, बिल का पैसा ड्यू डेट के टाइम पे नहीं मिला, तो वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, बिल क्या हो गया हमारा, डिसऑनर्ड हो गया, ओके स्टूडेंट्स। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हुआ, ठीक है, यहाँ पे जर्नल एंट्री आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बेसिक जो है हमारा वो देख रहे हैं हम लोग, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल इशू होगा और बिल एक्सेप्ट होगा, ठीक है, इसके ऊपर हमारा एंट्री आएगा, ठीक है, ड्रॉवर ड्रॉवी क्या करेंगे, बिल इशू करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, ऑन ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट पे क्या होगा, बिल विल बी ऑनर्ड, या तो ड्यू डेट पे बिल क्या होगा स्टूडेंट, ऑनर्ड होगा, या तो ड्यू डेट पे स्टूडेंट क्या होगा, बिल हमारा डिसऑनर्ड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऑनर्ड मतलब पार्टी ने पैसा दे दिया, ड्रॉवी ने क्या किया, ड्रॉवर को पैसा दे दिया, ठीक है, मैटर क्या हो गया, क्लोज, ठीक है, और डिसऑनर्ड का मतलब ड्रॉवी ने ड्रॉवर को पैसे नहीं दिया, मैटर क्लोज नहीं हुआ, ओके स्टूडेंट्स। तो हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा थर्ड पॉइंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर फोर में, टाइप्स ऑफ केसेस आफ्टर बिल इशू एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो गया, ओके, बिल इशू एंड एक्सेप्ट हो गया, ओके, इसके बाद, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, ये दो स्टेप होने के बाद, ये वाला दो स्टेप होने के बाद, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बिल इशू एंड एक्सेप्ट, ठीक है, ये होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मिडल में, ओके, क्या होता है, कुछ केसेस आते हैं केसेस, ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ केसेस आफ्टर बिल इशू एंड एक्सेप्टेंस, मैंने लिखा है यहाँ पे आफ्टर मतलब इसके बाद, ये वाले एंट्री के बाद क्या होता है, ठीक है, चार तरह के केसेस में बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, उसमें से ही आप लोगों को क्या होता है, एग्जाम में आता है, क्वेश्चन में आएगा, और वही चीज हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग हमारा सम्स करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा एंट्री पास करेंगे, तो केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, ये चार तरह के केसेस हो सकते हैं आप लोग को सम में। तो केस वन डिस्कस करते हैं हम लोग स्टूडेंट, पहला केस दिया हमें रिटेनिंग ऑफ बिल, रिटेनिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं, रिटेनिंग ऑफ बिल ये क्या होता है, जब भी ड्रॉवर और ड्रॉवी क्या करते हैं, जब भी लेन देन करते हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हुआ, ठीक है, और बिल इशू हुआ, बिल एक्सेप्ट हुआ बाय ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद ड्रॉवर क्या करेगा, बिल को अपने पास ही रख लेगा। अजीम करो कि सपोज आप लोग क्या हो, आप लोग सेलर हो, अजीम करो ऐसा, ठीक है, माइंड में अजीम करो आप लोग कि आप लोग क्या हो, सेलर हो, ओके, और आपने कुछ गुड्स बेचा है सामने वाले को, और आपने क्या किया, अपने बुक में एंट्री पास किया सेलिंग का, ठीक है, वो पास करेगा बाइंग का, आपने उसको बिल इशू किया तो आपने एंट्री पास किया, और वो बिल एक्सेप्ट करेगा तो उसने भी क्या किया, उसने अपने बुक में एंट्री पास किया, ओके, उसके बाद क्या हो गया स्टूडेंट्स, उसके बाद रिटेनिंग ऑफ बिल में क्या होता है, बिल को आप लोग क्या करोगे, अपने पास ही रखोगे। सपोज एक तारीख का बिल था, फर्स्ट जनवरी का बिल था, और आपने सामने वाले को एक महीने का क्रेडिट दिया, तो एक महीने बाद डेट कौन सा आएगा, फर्स्ट फरवरी आएगा, ओके, तो फर्स्ट फरवरी को स्टूडेंट क्या होगा, जब तक फर्स्ट फरवरी नहीं आता तब तक आप लोग क्या करोगे, बिल को अपने पास रखोगे, बिल को अपने पास रखोगे,
फर्स्ट फरवरी का आप लोग वेट करोगे, उस दिन क्या होगा, जब ड्रॉवर सॉरी ड्रॉवी जब आएगा, ठीक है, आपको पेमेंट करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, अपना बिल एक्सेप्ट किया हुआ बिल लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। रिटेनिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट तक आप लोग क्या हो, आप लोग सेलर हो, ओके, आपने 1 जनवरी को गुड्स क्या किया, सेल किया और 1 महीने का टाइम दिया सामने वाले को, ओके, तो रिटेनिंग ऑफ बिल में आप लोग क्या करोगे, 1 महीने तक वो बिल अपने पास रखोगे संभाल के, जो कि किसने एक्सेप्ट किया था, ड्रॉवी ने, उसमें क्या होगा स्टूडेंट, ड्रॉवी का साइन होगा और ड्रॉवी वहां पे एक्सेप्ट कर रहा है बिल कि भाई 1 महीने बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा, जो भी मैं आपसे सामान लिया है मैंने उसका पैसा मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा, मतलब 1 फरवरी को आपको मैं पैसा दे दूंगा, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सिंपल समझने के लिए आप लोग को मैंने लिख के रखा है, ड्यू डेट तक बिल खुद के पास रखना, ड्यू डेट तक बिल क्या करना, खुद के पास रखना, मतलब ड्रॉवर क्या करेगा, स्टूडेंट सेलर क्या करेगा, ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखेगा, उसमें क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिटेनिंग ऑफ बिल, ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं लोग। केस टू स्टूडेंट, केस टू क्या बोल रहा है, मैं बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ठीक है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, बिल को डिस्काउंट कर लिया बैंक के साथ में। सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, आपने 1 जनवरी को बिल क्या किया, आपने गुड्स सेल किया, ओके, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स किया, ड्रॉवर को सॉरी ड्रॉवी को आपने गुड्स बेच दिया, आप लोग क्या हो, आप लोग ध्यान रखो, आप लोग सेलर हो, आप लोग ड्रॉवर हो, ठीक है, आप लोग ने क्या किया, गुड्स सेल किया और ड्रॉवी को आप लोग ने 3 महीने का टाइम दिया, 3 मंथ का, ओके, जनवरी फरवरी मार्च, तो आप लोग के हिसाब से 1 जनवरी से लेके 3 महीने का टाइम कभी खत्म होता है, जनवरी पूरा मंथ गया, फरवरी पूरा मंथ गया, मार्च पूरा मंथ गया, तो आता है स्टूडेंट 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को आप लोग को उससे पैसा लेना है, ठीक है, 3 महीने का आपने टाइम दिया, आपने गुड्स बेचा उसको और 3 महीने का टाइम दिया आपने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पैसे की रिक्वायरमेंट, ओके, तो पैसे की रिक्वायरमेंट की वजह से आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आप लोग को अर्जेंट कैश की जरूरत पड़ी, अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ी, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ड्रॉवर सॉरी ड्रॉवी को तो आप लोगों ने टाइम दिया कितने मंथ का, 3 मंथ का, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 1 फरवरी को पैसे की जरूरत पड़ी, 1 फरवरी को याद रखना आप लोग, 1 फरवरी को आपको पैसे की बहुत जरूरत पड़ी, ओके, और आप लोगों ने फोन कर दिया किसको, ड्रॉवी को, कि देखो भाई मुझे बहुत अर्जेंट पैसे की जरूरत है, या मेरा ये प्रॉब्लम है ऐसा ऐसा, या मुझे मेरे बच्चे की कॉलेज की फीस भरनी है, या मेरे वाइफ का मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, या सपोज कोई भी अर्जेंट काम हो सकता है, ठीक है, ड्रॉवर को कुछ भी अर्जेंट काम हो सकता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि जो ड्रॉवर है उसने क्या किया, 1 फरवरी को उसने कॉल किया, किसको फोन किया, ड्रॉवी को, ठीक है, जो बायर था उसको फोन किया, ठीक है, तो उसने बोला कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, तो ड्रॉवी ने क्या बोला स्टूडेंट्स, ड्रॉवी ने बोला कि देखो पहली बात तो आपके और मेरे बीच में क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि मैं आपको पैसे कितने मंथ बाद दूंगा, 3 मंथ बाद दूंगा आपको, मैं पैसे रिटर्न करूंगा कभी 3 मंथ के बाद, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मेरे पास अभी रिसेंट में पैसे नहीं है, मेरे पास अभी रिसेंट में पैसे नहीं है, अगर सपोज मेरे पास पैसे अगर आते हैं जल्दी तो मैं आपको वो पैसे मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये देना है कि जब भी अगर ड्रॉवर को बीच में, ठीक है, मिड ऑफ द बिल, ठीक है, मिड ऑफ द एग्रीमेंट अगर पैसे की जरूरत अगर पड़ती है तो उस टाइम पे स्टूडेंट क्या होगा, उस टाइम पे ध्यान देना आप लोग, उस टाइम पे ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवर, ठीक है, सेकंड स्टेप फॉलो करेगा, सेकंड स्टेप क्या स्टूडेंट्स, उसको तो पैसे नहीं मिले ड्रॉवी के पास से, तो उसके लिए सेकंड स्टेप क्या स्टूडेंट्स, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, वो जाएगा स्टूडेंट्स बैंक में, वो अपने बैंक में जाएगा और बैंक को बोलेगा कि देखो ये एक मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, सपोज बिल का अमाउंट था 10,000 रुपया, ओके, ऐसा मान के चलो आपको क्या है, बिल का अमाउंट 10,000 का बिल है, ठीक है, वो जाएगा अपने बैंक में, बैंक को बोलेगा स्टूडेंट्स मुझे पैसे की जरूरत है अर्जेंट, ठीक है, ये बिल मेरे पास पड़ा हुआ है मेरे पार्टी का, ये बिल क्या करो आप लोग अपने पास
सिक्योरिटी के तौर पे रख लो और मुझे कुछ अमाउंट, मुझे कैश अमाउंट मुझे अभी का अभी मुझे दे दो। ओके स्टूडेंट्स, तो वो क्या करेगा, ड्रॉवर गया बैंक में, उसने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से और वहां से पैसे ले लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंक का रोल क्या होगा, ध्यान देना आप लोग, बैंक का रोल क्या होगा, अगर सपोज ड्रॉवर ने 10,000 का बिल अगर बैंक को दिया है तो बैंक से वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उसको 10,000 पूरा मिल जाए, नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, बैंक समाज सेवा नहीं कर रही है, ठीक है, तो बैंक यहाँ पे क्या करेगी स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ अमाउंट क्या करेगी, चार्ज करेगी। किससे चार्ज करेगी, ड्रॉवर से। तो स्टूडेंट बैंक क्या करेगी, ड्रॉवर ने बिल दिया बैंक को कितने रुपए का, 10,000 का दिया, ओके, तो बैंक स्टूडेंट क्या करेगी, ड्रॉवर को देगी 9,500। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसा एग्जांपल मान के चलो आप लोग, ओके। तो बैंक ने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे 500 रुपीस बैंक ने चार्ज कट कर लिया, ठीक है, डिस्काउंट कर लिया, डिस्काउंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रॉवर को पैसे की अर्जेंट है, ठीक है, पैसे की जरूरत है, ठीक है, अर्जेंटली, तो उस टाइम पे वो ये सब साथ ये छोटे मोटे अमाउंट देगा नहीं, ओके, वो क्या करेगा, ठीक है बाबा जो भी अमाउंट आपको कट करना है वो अमाउंट कट कर लो आप लोग, और क्या कर दो, मुझे मेरा मुझे जो भी पेमेंट है मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अभी का अभी अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट बैंक ने क्या किया, 500 रुपीज कट किया और 9,500 उसको दे दिया और बिल को क्या किया, बिल को अपने पास रख लिया, बैंक ने बिल को अपने पास रख लिया और ड्रॉवर को बोल दिया कि ड्रॉवी को बोल देना कि ड्यू डेट के टाइम पे वो आके पैसा दे दे। और ड्रॉवी क्या करेगा स्टूडेंट, बैंक को कितने रुपए देगा, 10,000 रुपए देगा, ओके, क्योंकि बैंक ने क्या किया, ड्रॉवर का हेल्प किया है ना, 10,000 का बिल लेके उसको क्या किया, उसको 9,500 रुपए क्या किया, कैश दिया उसको, ठीक है। तो वो बैंक क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो अर्निंग करेगा वहां से। तो स्टूडेंट ध्यान देना आप लोग यहाँ पे कि बिल क्या हो गया, बिल डिस्काउंट हो गया बैंक के साथ में, ड्रॉवर ने बिल दे दिया बैंक को और वहां से पैसा ले लिए और उसने फोन करके ड्रॉवी को बोल दिया, ड्रॉवी को बोल दिया मतलब आप लोगों ने बिल क्या किया, डिस्काउंट कराया बैंक से और आप लोगों ने फोन करके बोल दिया ड्रॉवी को कि भाई ड्यू डेट के टाइम पे, ठीक है, आपका बिल कहाँ पे है, बैंक के पास है, ठीक है, ड्यू डेट के टाइम पे आपको जाना है बैंक में और बैंक को पैसा दे देना है पूरा का पूरा 10,000 रुपया, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यह आता है आफ्टर बिल इश्यू एंड एक्सेप्टेंस के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स हम लोग केस 3 में, तो स्टूडेंट ये केस 2 का देख लेते हैं हम लोग, इमरजेंसी में बिल बैंक को देकर पैसे लेना, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, जब भी ड्रॉवर को पैसे की जरूरत पड़ेगी, सपोज आप लोग ड्रॉवर हो, आप लोग को पैसे की जरूरत पड़ेगी, ड्रॉवी से पैसा आप लोग ने मांगा नहीं दिया उसने, तो आप लोग क्या करोगे, बिल को डिस्काउंट कर लोगे किससे, किसके साथ में, बैंक के साथ में। तो इमरजेंसी में बिल बैंक को देकर पैसे लेना, क्योंकि ड्रॉवी तो आपको पैसे दे नहीं रहा है, तो आप लोग के सामने तो रास्ता बंद है, तो सेकेंड रास्ता आप लोग के सामने खुला है, आप क्या करोगे, बैंक को देके बिल को बैंक को दे दोगे आप लोग और वहां से पैसा ले लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते स्टूडेंट हम लोग केस 3 में, ठीक है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, बिल हम लोग क्या करते हैं, सेंड कर देते कलेक्शन के लिए, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, बिल बैंक को देकर कलेक्शन करवाना। सपोज एग्जाम, सपोज स्टूडेंट मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप लोग अज्यूम करो, ठीक है, अभी मुकेश अंबानी का इतना बड़ा बिजनेस है, ठीक है, मुकेश अंबानी का इतना बड़ा बिजनेस है, रतन टाटा का इतना बड़ा बिजनेस है, टाटा कंपनी, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है, अदानी हो गया, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, ठीक है, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, ओके। तो यहाँ पे ये लोग मतलब लैक्स ऑफ करोड़ में क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, ये लोग लैक्स ऑफ करोड़ में क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो सोचो स्टूडेंट इनके पास बिल कितना होता होगा, है ना, तो इनके पास लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ क्या होते होंगे स्टूडेंट, बिल होते होंगे, ठीक है। कभी आपने ऐसा जरा आप लोग अज्यूम करना कि मुकेश अंबानी ने क्या किया, बहुत सारा बिल अपने जेब में रखा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, एक एक बिल क्या कर रहा है, वसूली कर रहा है, ठीक है, कैसा लगेगा जरा आप लोग इमेजिन करो, है ना, तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है, कि मुकेश अंबानी मतलब कैसा, कि मुकेश अंबानी ने क्या किया, उसके जेब में बहुत सारे बिल पड़े हुए हैं और वो क्या कर रहा है, सबके पास जाके क्या कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है, कलेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा कभी होता है क्या स्टूडेंट, कभी मतलब आप लोगों ने ऐसा मतलब कभी देखा है क्या, या रतन टाटा के पास बहुत सारे बिल पड़े हुए हैं, वो क्या कर रहा है, एक एक मतलब अपने बायर के पास जाके क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बिल को डिस्काउंट कर रहा है।
स्टूडेंट्स ये बड़े बड़े जो लोग हैं ये लोग किसका बेनिफिट उठाते हैं स्टूडेंट्स, केस थ्री का, ठीक है। बिल वो लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, सेंड कर देते बैंक को, ठीक है, बैंक को बिल क्या कर देते सेंड कर देते हैं। और उस टाइम पे फिर वो क्या करता है स्टूडेंट, बैंक क्या करता है उनके बिहाफ पे उनके बिल का क्या करता है, कलेक्शन करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जरा समझो, ठीक है। मुकेश अंबानी ने क्या किया, उनके बिजनेस का सारा बिल, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, बैंक को फॉरवर्ड कर दिया और बैंक को बोला कि ये बिल का कलेक्शन आप मुझे करके दो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बैंक उनके पूरे के पूरे बिल का कलेक्शन करके उनको दे देगी पैसा, ठीक है। इसके बदले बैंक को क्या फायदा यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंक क्या करती है, यहाँ पे बैंक चार्ज करती है कमीशन, अदरवाइज बैंक चार्ज करती है यहाँ पे चार्जेस, बैंक चार्जेस, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सपोज आप लोग कभी लाइट बिल पे करते हो, ठीक है, लाइट बिल पे करते हो अपने मोबाइल से, ठीक है, या अपने LIC का प्रीमियम पे करते हो, ठीक है, या कोई भी अमाउंट आप लोग क्या करते हो, पे करते हो, ठीक है, सामने वाले पार्टी को, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके बिहाफ पे आपके रिक्वेस्ट पे आपका बैंक क्या कर रहा है, उसको वो चीजें फॉरवर्ड कर रहा है, आपका पैसा फॉरवर्ड कर रहा है उसके पास, ठीक है। तो उस टाइम पे स्टूडेंट क्या करता है, बैंक कुछ चार्जेस नॉमिनल अमाउंट क्या करता है, चार्ज करता है, सॉरी बैंक क्या करता है स्टूडेंट्स उस टाइम पे नॉमिनल अमाउंट क्या करता है, चार्ज करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना आप लोग, बिल हम लोग क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं बैंक को फॉर कलेक्शन के लिए। सपोज आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, पहले आप लोग क्या करते थे, आप लोग ने जब आपका बिजनेस छोटा था तो आप लोग क्या करते थे कि आप लोग पर्सनली क्या करते थे, बिल का कलेक्शन करते थे, और या तो आप लोग ने दो तीन लोगों को रख लिया था और वो लोग क्या करते थे आपके बिहाफ पे बिल का कलेक्शन कर देते। अभी स्टूडेंट आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, अभी आप लोग अगर बिल लेके घूमोगे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप लोग बिल क्या करोगे, सेंड कर दोगे बैंक को और बैंक को बोल दोगे कि बाबा मुझे ये जो बिल है मेरा ये कलेक्शन करके आप लोग दो। तो उस टाइम पे स्टूडेंट क्या होगा, हमने क्या कर दिया, बिल क्या कर दिया, सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए, और बैंक क्या कर रही स्टूडेंट्स, हमको हमारा पैसा रिकवर करके दे रही है, बिल का अमाउंट कलेक्ट करके दे रही है, और उसके बदले उस कलेक्शन के बदले हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक को कुछ नॉमिनल अमाउंट चार्जेस के रूप में दे रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आप लोग को ध्यान देना है, बिल बैंक को देखकर कलेक्शन करवाना, हमने बिल दे दिया बैंक को और बैंक को बोल दिया कि बाबा मेरा इतना पैसा कलेक्शन करके दो, ठीक है, उसके बदले में हम आपको कुछ कमीशन दे देंगे या कुछ बैंक चार्जेस दे देंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते स्टूडेंट हम लोग केस फोर की तरफ। केस फोर क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट हमें, बिल इंडोर्स टू थर्ड पार्टी, बिल इंडोर्स टू थर्ड पार्टी स्टूडेंट, इसका मैंने लिखा है कि अपना उधारी बिल के हेल्प से चुकाना। जैसे कि अपना उधारी बिल के हेल्प से चुकाना, मैं आप लोग को बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट। जब बिल इंडोर्स होता है तो टू थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे तीन पार्टी आती है, जो कि होता है ड्रॉवर, ठीक है। जब ये बिल इंडोर्स होता है ना स्टूडेंट्स, तो ड्रॉवर को हम लोग बोलते हैं इंडोर्सर, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग फॉरवर्ड करके देखते ना, आप लोग अगर समझेगा नहीं तो, ड्रॉवर को बोलते हैं इंडोर्सर, ड्रॉवी को बोलते हैं इंडोर्सी, और थर्ड पार्टी को बोलते हैं स्टूडेंट पेई, ठीक है। ड्रॉवर को बोलते हैं इंडोर्सर, ड्रॉवी को बोलते हैं इंडोर्सी, और थर्ड पार्टी को बोलते हैं पेई स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ इसका, बिल इंडोर्स टू थर्ड पार्टी। सपोज आप लोग क्या हो, आप लोग सेलर हो, आप लोग ड्रॉवर हो, ठीक है, आप क्या करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहे हो, आप लोग बेच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट होता क्या है, आप लोग भी तो कहीं कहीं ना कहीं से किसी मैन्युफैक्चरर से या किसी होलसेलर से सामान खरीद के ला रहे हो, ठीक है, उधारी में खरीद के ला रहे हो आप लोग उससे, और आप लोग क्या कर रहे हो, कस्टमर को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग किससे खरीद के ला रहे हो, सपोज आप लोग किसी होलसेलर से या किसी मैन्युफैक्चरर से आप लोग ने सामान खरीदा और आप लोग ने क्या किया, कंज्यूमर को बेच दिया उधारी में। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कंज्यूमर था उसने क्या किया, बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सपोज क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर आपके पास आया या होलसेलर आपके पास आया, आपके ऑफिस में बैठा, आपने इसको क्या किया, उसको चाय पिलाया, नाश्ता कराया, उसके बाद उसने क्या बोला कि देखो भाई मुझे पैसे की अर्जेंट है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मुझे किसी भी हालत में मुझे पैसा चाहिए, ओके, और आपके पास उस टाइम में पैसा नहीं है, आपके पास उस टाइम में पैसा नहीं है। आपने क्या बोला, अरे बाबा मेरे पास तो अभी पैसा है ही नहीं, तो मैं आपको कहाँ से दूँ,
तो उस टाइम पे आपने क्या किया, आपने देखा, आपने जब भी ड्रॉवर ओपन किया, ठीक है, तो ड्रॉवर में आपको तीन चार बिल दिखे, ठीक है, जो कि आपके कस्टमर्स ने क्या किए थे, एक्सेप्ट किए हुए थे। आपने जब ड्रॉवर ओपन किया ना, तो आपको वो तीन चार बिल दिखे, ठीक है, तो आपने क्या किया, वो बिल उठा के आपने किसको दे दिया, आपके मैन्युफैक्चरर को दे दिया या होलसेलर को दे दिया। आपने क्या बोला कि सर देखिए, 3-4 दिन बाद या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद इनका अमाउंट आने वाला है, ठीक है, इनका पैसा ड्यू हो रहा है, तो ये बिल आप लेके जाओ, मैं पार्टी को बोल दूंगा, ठीक है, वो पार्टी क्या होगी, आपके पास आएगी, आपको पेमेंट करेगी और अपना बिल लेके जाएगी, ठीक है, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट कहने की बात यहाँ पे ये है कि सपोज आपने होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था उधारी में, और मैन्युफैक्चरर या होलसेलर आपके ऑफिस में आया, बैठा, उसको वो कभी आपसे पैसा मांगता नहीं है, मगर उसको पैसे की अर्जेंट हो गई, पैसे की अर्जेंट हो गई, इसीलिए वो आपके ऑफिस में आया, ठीक है, तो उसने क्या बोला स्टूडेंट्स कि भाई मुझे पैसे की अर्जेंट है, मुझे कुछ कुछ भी करके मुझे पैसा प्रोवाइड करो, ठीक है, तो उसने क्या किया स्टूडेंट, उसके पास कुछ बिल पड़े हुए थे, सपोज उसके पास 70,000 रुपीज के बिल पड़े हुए थे, जो कि उसने कस्टमर को सामान भेजा था और कस्टमर से बिल एक्सेप्ट करवा के ले लिया था। तो उसने स्टूडेंट क्या किया कि उसने वो बिल क्या करते हैं, इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स, वो जो ड्रॉवर में जो उसके बिल पड़े थे, आपके ड्रॉवर में जो बिल पड़े ना 70,000 के, वो आपने किसको दे दिया, थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, होलसेलर हो सकता है या मैन्युफैक्चरर हो सकता है, आपने उसको बिल उठा के दे दिया, और स्टूडेंट्स 1 लाख का आपका क्रेडिट था, उसमें से 70,000 आपका लेस हो गया वहां पे, ठीक है, तो आप लोग के ऊपर 1 लाख का क्रेडिट था ना उसका, तो अपना उधारी बिल के हेल्प से चुका दिया आपने। अभी आपके ऊपर कितना उधारी है, सिर्फ और सिर्फ 30,000 का उधारी आपके ऊपर, और आप लोग ने उसको क्या किया, बिल का 70,000 रुपया दे दिया आपने, ठीक है, और आपने अपने ड्रॉबी को फोन करके बोल दिया कि ये बिल आपका होलसेलर के पास है, मैन्युफैक्चरर के पास है, उसके पास जाके आप लोगों को क्या करना है, बिल का पैसा दे के और अपना बिल जाके ले लेना है। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, ड्रॉवर का मतलब इंडोर्सर, ड्रॉबी का मतलब इंडोर्सी, और थर्ड पार्टी का मतलब पेई। तो होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी चीजें, ठीक है, इसके बाद का जो भी कंसेप्ट है हम लोग सीखेंगे, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें हर केस के ऊपर, ठीक है, पहले हम लोग ये प्रोसेस ऑफ बेसिक ट्रांजेक्शन का एंट्री कैसे बनता है, ओके, वो देखेंगे। और स्टूडेंट्स ये हर केस होने के बाद, ठीक है, हर केस में क्या होता है स्टूडेंट, या तो बिल ऑनर्ड होगा या तो बिल डिसऑनर्ड होगा, ठीक है, ये हर केस होने के बाद, ठीक है, या तो हो रिटेनिंग ऑफ बिल, या तो बिल डिस्कंप्लीट विद बैंक, या तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, या तो बिल इंडोर्स टू थर्ड पार्टी, ये सारी चीजें होने के बाद, ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग केसेस आएंगे, और हर केसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ड्यू डेट पे या तो बिल ऑनर्ड होगा या तो बिल क्या होगा स्टूडेंट, डिसऑनर्ड होगा। तो आगे के केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरल एंट्री हमारा स्टार्ट करेंगे, और बेसिकली हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जनरल एंट्री पास होता है। तो आज के लिए वो आप लोगों को समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।